ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏବେ ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯାଇଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଯାଇଛି ବା ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କାଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ପାଞ୍ଚଟି କାଳ ବା ଲଙ୍କାର ତାକୁ କହୁଛେ, ଆମେ ସେଦିନ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା। ଏକରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲଟ୍ ଲକା, ଲଟ୍ ଲକା, ଲଟ୍ ଲକା କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଲଟ୍ ଲକା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି, ଲଟ୍ ଲକାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କ'ଣ ତାର ସଙ୍କେତ କ'ଣ ରହିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ନା ଏଇ ସଙ୍କେତ ଥିଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ ନା ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଛା ଛି ଆଉ କ'ଣ ଛୁ ଛୁ ଆଉ ଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଆମର ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି ବା ଲଟ୍ ଲକାରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛ, ପଢ଼ୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ କାଳରେ ରହିଛି ନା ଲଟ୍ ଲକାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି କେଉଁ କାଳ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର, ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର, ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାରକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଅତୀତ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ବା ଅତୀତ କାଳ ବାକ୍ୟଟି ଅତୀତ କାଳରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଲ ଲା ଲି ଲୁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଲେ ଏଇଭଳି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟଟି ଅତୀତ କାଳରେ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଥିଲ, ଥିଲି, ଥିଲୁ, ଥିଲେ,
पढ़ु थिला पढ़ु थिला पढ़ु थिली पढ़ु थिलु पढ़ु थिले बुझियाला ताले ए अक्षर गुडी को जदी कोनोसी वाक्य रो शेष रे व्यवहृत होइथांती ताले आमे जानिबा उक्त वाक्य टी को काळ रे अछि ना लग लकार बा अतीत काळ रे अछि तापरे लग लकार परे कोन ना रूप लकार रूप लकार रूप लकार कोन ता भविष्य काल भविष्य काल ठीक अछि आकु आमे चिन्हला कि करि आ कोन साइन रहिबा चिन्ह कोन रहिछि यदि कोनसी वाक्य रो शेष रे कोन थिबो ना ब बा बी बु बे बुझियो छि ब बा बी बु बे एई अक्षर गुडी यदि थिबो माने हम जानिबे वाक्य टी कौन ना भविष्यत काल रे रहिछि कौन सेति करब मोटा लेखु नै पहुचि सुनो सब पढ़ु थिबो पढ़ु थिबा हां पढ़ी भी पढ़िबु पढ़िबे ए भली हमें ताको जानिबा ठीक अछि ये वाला अतीत काल तापरे 40 नंबर रे कौन ना लोट लगा लोट लगा चार नंबर लोट लगा का कौन ना आदेश बा कौन उपदेश उपदेश बा कौन आदेश उपदेश और कौन आपको जानना पड़ा ना कौनसी वाक्य रो शेष रे कोण थिबो ना अ थिबो उ थिबो अंतु थिबो हला एई गुडी को जदि थिबो ताने हमें जानिबा जेहा आदेश बा उपदेश काल बा लोट लकार रो अंतर्भुक्त अटे कोण हो जाओ जाउ जानतु ए भलिया से जान आपण सेठा को जान आमे बड़ कहते अधुरा अधुरा कहते ता आओ जाओ निर्देश दउते हैं आदेश दउते तुम्हें सेठा को जा ता माने कोन आगे जन को आदेश दउते हला ता पर पांच नंबर रे आसे कोन ना विधि लिंग लगा कोन विधि लिंग लगा लकार बा काळ विषय तापर कोण होची
देखिबा कोति लका करे कोन होती प्रत्येक लका करे तीनोटी पुरुष आ तीनोटी वचन रहउ आमे पंचम श्रेणी रे किछि पढ़ी दिले तथापि जहा पढ़ी दिबे आउ थरे डाक्टर आमे प्रमाणे पकाइ संस्कृत रे वचन केतटी संस्कृत व्याकरण रे वचन आसन पुरुष अपुरुष ठीक अछि वचन केतटी एहि लेखरा वचन तीनटी कौन ना एक वचन दुई वचन आउटे बहु वचन ठीक अछि वचन तीन प्रकार एक वचन दुई वचन आउ बहु वचन सेंति पुरुष मध्य केते प्रकार अछि ना पुरुष मध्य होछि तीन प्रकार कोन ना प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष आउ तो कोन ना उत्तम पुरुष ताले संस्कृत रे ता संस्कृत व्याकरण रे हमरा वचन आ पुरुष वचन तीन प्रकार एक वचन द्वि वचन बहु वचन पुरुष मध्य तीन प्रकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष आ उत्तम पुरुष ठीक अछि अच्छा एक वचन कोन गोटी एको बुझैले एक वचन दुईटी को बुझैले दुई वचन एक को अधिक हले बा दुई रो अधिक हले ताकु बहुवचन बोले कहउछे हला पुरुष पुरुष सेई जणे हले प्रथम पुरुष दुई जण हले मध्यम पुरुष आउ दुई रो अधिक हले उत्तम पुरुष नै कि ना से बोलि हबनी एठी टिके ओलोटा हमें परवर्ती क्लास में पुरुष की भल भाव में बुझेगा ठीक है जी पर क्लास में हमें पुरुष ऊपर बुझेगा एबे हम संस्कृति ना धातु रूप को देखबा धातु कौन पूरे नुआ शब्द धातु देखोन तथापि पंचम श्रेणी किछि किछि पढ़ी दिबो निश्चित धातु कोण धातु धातु कोण क्रिया धातु को पढ़ो कहते क्रिया क्रिया कोण जे कार्य को कराए क्रिया के का कहते ना जे कार्य को कराए बा जा द्वारा कार्य के संपादन हुए ए लेख होती क्रिया रो मूल रूप को संस्कृत रे धातु कह जाए धातु को आ जाए हला क्रिया कौन क्रिया कौन जिए बा जहा जिए बा जहा हमर काम को काम को काम को करू तुम्हारा सूचना दिए
ইংরেজি কিবা তুমি ইংরেজি সেটি পড়ছ
ইংরেজিতে কিরা পর্ষদ দিয়ে প্রথম পুরুষ হচ্ছে মৌ, প্রথম পুরুষ মৌ। আমে আমি মানে এগুলি হচ্ছে ইংরেজিতে থাকা আমার গ্রামারে ব্যাকরণে প্রথম পুরুষে মৌ আমে আমি মানে এগুলি থাক। কিন্তু এটি ওলটা কোন ওলটা না, এটি প্রথম পুরুষ সে গুণে সে সে গুণে সে মানে হইতা প্রথম পুরুষ এটি সে পট এটি সে প্রথম পুরুষ সে সে গুণে তাহলে
हम कोन करे यदि कि या तो बहुत संस्कृत व्याकरण के होची बृहत भागर अछि किंतु हमें एथि सम्यक आलोचना करते कारण तुम्हें माने ऊपर क्लास गले आ ऊपर विस्तृत भाबरे जानि पाइबो तथापि हमर जति कि आवश्यक होची तुमर ए विषय को पढिबा पई जानिबा पई हमें सेति कि ही तुमको देखौ छु हला एबे आसा बही को आसा बही रे संस्कृत पद बोली गोटे अछि देखु छ समस्त निज निज बही देख सेति हमें कोन ना लोट लकार बा वर्तमान काल रो केते गुडी एही टेबल देछि ताकु हमें नै कि वाक्य गठन करिया पई कहू छी देखो लेखाई छ प्रथम टेबल जे अछि गायक क्रीडक रक्षक खादक कृषक निंदक प्रशंसक आक्रामक आकर्षक पर्यटक संकरक आउ वितरक ता पाकुकु वाक्य से गठन कर दीची ना गायक गायकी गायकटी गाउछ सेही भली आमे माने वर्तमान करिबा कोन ना वाक्य गठन करिबा केमिति करिबा नता गायक पर अछि क्रीडक क्रीडक ह क्रीडति क्रीडक माने कोन खेलाड़ी खेलाड़ी जैसे कोन करे खेले गायक गाय खेलाड़ी खेले रक्षक रक्षा करे सेही भली आमे एई गुडी को लेखि दो हला समस्ते निज खाता पे की लेखो तो गायक हो गायकी क्रीडक हो क्रीडकी रक्षक हो रक्षति खादक खादति कृषक कर्षति निंदक निंदति प्रशंसक प्रशंसति आक्रामक आक्रामति आकर्षक पर्यटक पर्यटक तो पिला माने देखो प्रशंसक प्रशंसति आक्रामक आक्रामति आकर्षक आकर्षति पर्यटक पर्यटक संतरक संतरति वितरक वितरति तो प्रथम टेबुल टी मु कर देली तुम मानकर काम हला आउ जो तीनोटी टेबुल रहिला तुमे माने ताकू करिया पे चेष्टा करबो जदी करिला वाले किछि कार असुविधा थाए तबे से ग्रुप रे आकू पचारी पाइबो बा बुझि मध्ये पाइबो ठीक अछि आउ जदी तुमर आउ किछि जानिबा कुथिबो तबे परवर्ती क्लास रे ताकू तुमे माने ग्रुप रे शेयर जदि करथिबो तो परवर्ती क्लास रे आमे ताकू आउथरे भलो भाबे बुझै परिबा आजि पई क्लास टी एठार रखु छी परवर्ती क्लास रे तुमे माने सुत पुनि देखा हो वंदे मातरम।